दोस्तों देखो, अभी अपन लोग लॉफ्ट में है और ये राजा ब्रिट का बच्चा है जो निकला था बीमारी के पहले। और आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये था मेरा कि सबसे पहले ये देख लो, जैसा ये अभी पर झाड़ने में लगा हुआ है फीमेल, वो पूरा पर झाड़ने के बाद ही ये अंडा चालू करेगा। ये आपको बताना था कि मैंने बोला था कि देखो ये पेयर का बच्चा यहाँ पे दोनों है और यहाँ पे इसने अंडा ले कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसके नीचे में ये शिराजी के दो अंडे रख दूंगा, कंफर्म है। और मेरे चैनल में जाके देखो आप, अंडे कैसे पलटाना है, क्या करना है, सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो मैंने बोला था कि देखो अभी भी एक बच्चा बड़ा है एक छोटा है, तो ये छोटा बच्चा कुछ दिन में खुद ही अपने आप से मर जाएगा। और यहाँ पे जो बसरी की फीमेल दिखाया था ये उसका मेल है, देख रहे हो आप, लेकिन बच्चे अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और सबसे मैजिक वाली बात मैं आपको बताऊं, देख लो आप, ये मेरे पास में शिराजी का क्वालिटी है, ये बच्चे में से निकला हुआ है, इतना बड़ा पैर मोचे, देखो देख सकते हो आप, ठीक है। और ये मैंने परचेस किया हुआ है शिराजी, उसका पैर मोच क्वालिटी देखो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपके पास में क्या चीज है ये आप लोगों को पता रहनी चाहिए दोस्त, ऐसा है। और ये तो जो पाव मुड़ा, क्यों मुड़ा था आपको भी पता है कि मैंने इसके पाव के बाल नहीं काटा था, इस वजह से। ये वो बच्चे हैं जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसके पाव के बाल काटूंगा ताकि इनके पाव जो है टेढ़े ना हो, लेकिन अभी फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके एक बार और फिर से पाव के बाल काटना पड़ेगा, इनको चलने में दिक्कत होती है। तो ये उड़ के ही चलते हैं, मतलब उड़ते हुए ही चलना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरी बात सबसे मजे की, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो अलग अलग ब्रीड मत रखो, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। देखो ये शिराजी का मेल है और बसरे की फीमेल है, रेड कलर वाली, ये मेल तो मस्ती में है पाउडर का, लेकिन फिर भी भाई ये अभी मोल्डिंग पे है, इसको मोल्डिंग बोलेंगे, है ना, पर झड़ रहे हैं, जैसी पेड़ों के पत्ते गिरते हैं वैसे इनके भी पर झड़ के नए पर आते हैं। और ये जो है एक पेयर है, एक्चुअली ये फीमेल है जिसको एक पर आपको वाइट दिख रहा है और ये मेल है, ठीक है। और दूसरे सबसे बढ़िया बात, ये जो राजा ब्रिट का मेल है मेरे पास का, और ये जो फीमेल है, कौन सी, ये फीमेल, ये आपके सामने में इसलिए दिखा रहा हूं कि जो लोग ये बोलते थे कि भैया एक बार टेढ़े में आने के बाद में कबूतर काम का नहीं रहता, कुछ काम का नहीं रहता, तो मैं उन लोग को बता दूं, भाई देखो इस कबूतरी ने क्रॉस करके अंडा दिया हुआ है, अभी भी थोड़ी सी मान इसकी टेढ़ी है लेकिन इसने अंडा दे दिया, और ये अंडा बड़ा भी, मतलब बच्चे भी हो जाएंगे इसमें से हैच, मैं आपको ये भी शाश्वत ही देता हूं पूरी तरीके से। देखो दिख रहा है आपको अंडा, फीमेल भी देख रहे हो, ये मतलब वीडियो ही मैंने इसके लिए बनाया था कि आप लोगों को जो लोग बोलते हैं कि टेढ़े में आने के बाद में कबूतर काम का नहीं रहता, उस चीज को मैंने अभी गलत साबित करके दिखा दिया आपको, क्रॉस करके अंडा खुद दिया हुआ है फीमेल, आपने देख लिया, ठीक है। तो चलो भाई रखता हूँ, छोटा सा वीडियो था एक 4-5 मिनट का, गुड मॉर्निंग।